गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, विच इज एंटाइटल्ड फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। देखो, फिजियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग का हमारी बॉडी पर, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज पर होने वाला इफेक्ट जो है उसकी स्टडी की जाती है, तो हम इसे नाम देते हैं फिजियोलॉजी। ओके, तो हम फिजियोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी टू नो लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग ऑन बॉडी। स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स के लिए ली जाने वाले ट्रेनिंग का आपकी बॉडी पर, आपकी फिजिक्स पर क्या इफेक्ट हुआ है, उसे जानने के लिए हमें फिजियोलॉजी की स्टडी करनी होती है। अब देखो, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो डिटरमाइन करते हैं हमारी स्पीड को, हमारी स्ट्रेंथ को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी ताकत को डिटरमाइन करते हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ मसल, सेकेंड है बॉडी वेट, थर्ड है मसल कंपोजिशन, और फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो, अगर हम बात करें साइज ऑफ मसल की, तो देखो मसल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर सकेगी और उतना ही पावरफुल पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा जिसकी साइज का, मसल का साइज बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि लार्जर द साइज ऑफ मसल, लार्जर विल बी द स्ट्रेंथ। ओके, और इसके अलावा सेकेंड, अगर हम बात करें बॉडी वेट, तो बॉडी वेट किस तरह से डिटरमाइन करता है हमारी स्ट्रेंथ को, जैसे कि हमने देखा है जनरली जितना ज्यादा बॉडी वे होता है कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उतना ही पावरफुल होता है। ओके, तो बॉडी वे भी कहीं ना कहीं हमारी एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, मसल कंपोजिशन की। तो मसल कंपोजिशन देखो, हमने 11th में भी पढ़ा था, मसल हमारी दो तरह के फाइबर से मिलकर बनी होती है, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर तो क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो मसल ज्यादा पावरफुल होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मसल्स की। और स्लो ट्विच फाइबर बहुत धीरे धीरे स्लोली ट्विच करते हैं और स्लो फोर्स एग्जर्ट करते हैं वो। तो मसल्स का जो कंपोजिशन है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, ठीक है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ही हमारा मसल कंपोजिशन डिटरमाइन होता है कि किसके पास फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होंगे, किसके पास स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होंगे, बट ट्रेनिंग के थ्रू आप उन्हें सुधार सकते हो। फिर बात करें इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स यानी हमारी जो मसल्स हैं उनका फैलना और सिकुड़ना, ओके, फॉर डूइंग पर्टिकुलर रिएक्शन। तो मसल्स का जो इम्पल्स होगा, नर्व इम्पल्स जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से फैलेंगी, जितनी तेजी से सिकुड़ेंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल पावरफुली वो वर्क कर सकेंगी। तो ये कुछ चार फैक्टर्स थे जो हमारी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन स्पीड। अब वो फैक्टर्स देखेंगे हम हमारी फिजियोलॉजी में, हमारी बॉडी में, जो हमारी स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, आपका नर्वस सिस्टम जितना मोबाइल होगा, यानी जितनी मोबिलिटी होगी नर्वस सिस्टम में, जितनी आपकी मसल्स जो है तेजी से सिकुड़ना या फैलने का वर्क करेंगी उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी। सेकेंड है मसल्स का कंपोजिशन, ऑब्वियसली फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर भी यहाँ पर हमारी स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। उसके अलावा थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मसल्स जितनी फ्लेक्सिबल होंगी उतनी ही आप फोर्स को एग्जर्ट कर सकेंगी, उतनी ही स्पीड के साथ वो फोर्स लगाएंगी, उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी और उतनी ही उनकी स्पीड अच्छे से वर्क करेगी। फिर हम बात करें मेटाबॉलिक पावर की, तो देखो मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा आपकी बॉडी का, उतनी ही सेल को एनर्जी मिलेगी, उतनी ही सेल जो है पावरफुल तरीके से फोर्स जनरेट कर सकेंगी हमारी मसल्स। तो मेटाबॉलिक रेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही एटीपी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड भी हायर होती है। फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी कि रिएक्ट करने का जो एक्सप्लोजन है आपका, जो स्ट्रेंथ है रिएक्ट करने की, अगर वो ज्यादा एक्सप्लोजिव है तो ऑब्वियसली आप तेजी से किसी पर्टिकुलर अपनी स्पीड को बढ़ा सकोगे, आप पर्टिकुलर वर्क को, आप रनिंग को अच्छे से कर सकोगे। तो ये कुछ फैक्टर थे जो डिटरमाइन कर रहे थे हमारी स्पीड को। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि फिजियोलॉजी में हमें क्या स्टडी करनी है, कौन कौन से दो तरह के फैक्टर हमने पढ़े जो हमारी स्ट्रेंथ को, स्पीड को डिटरमाइन कर रहे थे। ओके, आगे आने वाले वीडियो में हम और दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी को और हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। तब तक आप इसे देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।